तो ये देखो, ये पूरा धारचूला का व्यू है और ये सामने धारचूला, ये पूरा नेपाल का पहाड़ है, ये इंडिया नहीं है और ये पूरा इंडिया है इस साइड, ठीक है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे फ़ोन पे यहाँ पे दो टाइम आ रहा है, 5:30 और 5:15, मतलब 15 मिनट का टाइम का डिफरेंस है और ये इंडिया है और सामने नेपाल है। अगर यहाँ से बाई चांस हम रात में आते ना, बहुत गंदी वाली फटने थी। और ये है बारिश के नुकसान, ये देखो रोड का हालत क्या हो चुका है गाइस। यहाँ पे एक मंदिर भी है, जय भगवान जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा। ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है, मंदिर है बट यहाँ पे डरावना वाला सीन हो रखा है। जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। सो हेलो गाइस एंड व्हाट्सअप एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द केट इज ऑन एंड वेलकम टू द 3rd एंड लास्ट एपिसोड ऑफ अवर नेपाल ट्रिप। तो सो गाइस, जैसे कि आपने एपिसोड 2 में देखा था, हमने डीडीहाट करके एक जगह है वहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था और वहाँ पे मैंने एपिसोड 2 को एंड कर दिया था। तो वहीं पे से इस एपिसोड 3 को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 देख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड 3 को, एंड लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। रुका थोड़ा, छोड़ रहा हूँ न्यूट्रल पे यार। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम डीडीहाट। और अभी हम होटल से निकल गए हैं, बारिश का मौसम हो रखा है, अभी हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, फिर भी हम निकल गए हैं क्योंकि लेट नहीं करनी अपने को। बट दिस इज डीडीहाट, यहाँ कल रात में पहुँचे तो रात में यहाँ तो देखा नहीं कुछ, और अभी का व्यू देखो आप डीडीहाट में। भैया मेमोरी कार्ड होगा आपके पास? तो यहाँ पे मेरा मेमोरी कार्ड फुल हो चुका है, अराउंड 60 GB का वीडियोस बन चुके हैं, तो एक और मेमोरी कार्ड मेरे को लेना पड़ेगा। 32 GB का ले लो, 350 दे दो भाई फिर। सो गाइस, मेरा मेमोरी कार्ड जो है सारे फुल हो गए थे, और अभी मैंने यहाँ पर से एक 32 GB का मेमोरी कार्ड परचेस किया है, और अभी निकलते हैं यहाँ से। एक्चुअली ये है डीडीहाट, तो रात में हम यहाँ रुके थे और इधर पे हमने कहीं पे खाना खाया था। ओके, यहाँ से धारचूला है गाइस 60 किलोमीटर के आसपास, और हल्की हल्की बारिश की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। आई होप कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और आगे मेरे को सही मौसम मिले, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाने में यार। अगर इतनी बारिश रही तो इतने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ज़्यादा बारिश पड़ गई तो अपने को दिक्कत आ जाएगी गाइस, क्योंकि अभी आगे पूरा जंगल जंगल सा है, तो वैसे में प्रॉब्लम हो जाएगी। और बारिश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि रोड पूरी स्लिपी स्लिपी होती है, और वैसे हम ऑलरेडी लेट निकले हैं यहाँ से, और अगर बारिश हो गई तो हमको कहीं पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि बारिश में भीगते भीगते नहीं जाएंगे। A few moments later. So guys, अभी हमने यहाँ पे रेन कोट पहना, हेरा करण है, और मेरा तो राइडिंग जैकेट पहना हुआ है, और बारिश उतनी ज़्यादा भी नहीं हो रही है, तो नॉर्मल मैं राइडिंग जैकेट में ही चल रहा हूँ। बाकी यहाँ पे करण भाई ने पहन लिया रेन कोट, और अभी निकलते हैं यहाँ से डीडीहाट, एंड दिस इज डीडीहाट। डीडीहाट का मेन मार्केट ऊपर है, और अभी हम डीडीहाट से आगे निकल गए हैं, तो लेट्स गो। बारिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है मेरे को, एक्चुअली जो मेरा हेलमेट का ये वाइजर है, ये जो मिरर वाला वाइजर है, और मैं इसको अगर नीचे कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, और अगर ऊपर करूँ तो बारिश के छींटे आँख में पड़ रही है, तो बाइक चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है वैसे में, पर जो भी है करना पड़ेगा सर्वाइव वैसे ही। और ये है बारिश के नुकसान, ये देखो रोड का हालत क्या हो चुका है गाइस यार, यहाँ पे ये कीचड़ है, और मेरी बाइक के पीछे मकान नहीं लगा है, तो करण का हालत पूरा ख़राब हो गया है। खास है, अब है जो है वो समा है, तुम्हें। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं इस जगह पे, और यहाँ पे से पता नहीं धारचूला के लिए कौन सा रास्ता जाता है, पिथौरागढ़ के लिए यहाँ पे आगे लिखा था, तो यही होगा मेरे ख्याल से, बट एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं किसी से, क्योंकि ऐसे मौसम अगर गलत चले गए तो बहुत फटने वाली है। धारचूला के लिए कौन सा जाता है, धारचूला शॉर्टकट है? हाँ,
ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। ओके एक आंटी ने बोला था यहाँ से जाना है, बट हमने एक बार फिर भी कंफर्म किया। तो ये जो आपने दूसरा वाला रास्ता देखा वहाँ पे से, वो जाता था पिथौरागढ़ से, वो भी धारचूला जाता है, वो जाता है पिथौरागढ़ होते हुए, और यहाँ से हम पिथौरागढ़ नहीं जाएंगे, ये शॉर्टकट पड़ जाएगा हमको। सो लेट्स गो गाइस। ये जो रास्ता अभी लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं देहरादून की किसी गलियों में घूम रहा हूँ, किसी सोसाइटी में, क्योंकि ये रास्ता पूरा वैसे ही हो रखा है लाइक सरस्वती विहार धर्मपुर, वहाँ मैं अपनी बाइक में गली गली में घूम रहा हूँ। बट नॉट, क्या ये नेशनल हाईवे होगा, ये NH होगा क्या करें, ये गाँव की रोड है, जो जा रहा था रास्ता वो था NH, बट ये सिंपल एक विलेज वाली रोड टाइप की है। भाई धारचूला कौन से जाते हैं यहाँ पे से, नीचे धारचूला नीचे ना, ओके तो यहाँ पे से भी एक रास्ता जा रहा है नारायण नगर DD कॉलेज। सो अभी हम चले गए धारचूला वाले रास्ते पे, होप कि बैठा रास्ता हो, और पूरा अजीब ही सा लग रहा है, जंगल टाइप का, गंदा वाला जंगल। शॉर्टकट रास्ते ऐसे होते हैं, जो पिथौरागढ़ वाला था वो NH था, बट वहाँ से हमको 40-50 किलोमीटर और खींचना पड़ता और लेट हो जाती अपने को। A few moments later. Okay guys, अभी हम आ चुके हैं इस रास्ते पे, और यहाँ देखो कैसा कोहरा कोहरा हो रखा है, नीचे का व्यू देखो आप लोग यार, कितना डरावना है। ठीक हुआ भाई हम यहाँ रात में आए नहीं, अगर यहाँ से बाई चांस हम रात में आते ना, बहुत गंदी वाली फटने थी। मेरी बाइक की लाइट तो गंदी सी है, मतलब कम है उसमें लाइट, और अभी देखो आप कोहरा कोहरा हो रखा है पूरा, सुबह के 9 बज रहा है और ये पूरा जंगल वाला रास्ता है। एक घर दिखा अपने को, तो यहाँ पे है तो सही कुछ घर। ओ भाई ये कुत्ता बस पीछे ना पड़े, हेलो ये एसपी, जुबा है हम है हजारों में अब की। सो गाइस अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले रखा है, और यहाँ पे देखो कितना कोहरा हो रखा है, ऊपर जंगल देखो कितना डरावना सा हो रखा है, अगर हम यहाँ रात में आते तो दिक्कत आ जाती थी। ठीक हो गया हमने स्टे कर लिया, सिर्फ करण के बोलने से, मेरा कोई प्लान नहीं था स्टे करने का, बट ये लॉन्डे ने बोला कि स्टे करेंगे और हमने स्टे किया, और इसने पहली बार कुछ सही डिसीजन लिया है। और ये नीचे रोड जा रहा है, देखो कितना कोहरा कोहरा हो रखा है, यहाँ पे इसकी टांग, और हेयर इज अवर बीस्ट। ओ भाई यहाँ जंगली जानवर भी काफ़ी सारे होंगे गाइस, जहाँ तक मुझे लगता है, बट हम पहुँच जाएंगे लगभग थोड़ी देर में, और 8 किलोमीटर के बाद ही जंगल ख़त्म हो जाएगा शायद, तब NH आ जाएगा नेशनल हाईवे टाइप का। नेशनल हाईवे भी आपने देखे यहाँ के कैसे होते हैं पहाड़ों के। ओ भाई अबे इसको लगा दे यार, क्यों निकाला कुत्ते की तरह बार बार, क्यों निकाला कुत्ते की तरह बार बार, क्यों निकाला कुत्ते की तरह बार बार, क्यों निकाला कुत्ते की तरह बार बार। सामने पूरा गाय भी हो रखा है, दिख ही नहीं रहा कि सामने है क्या। ओहो बेटा, गाइस लुक एट द व्यू गाइस, यहाँ पे एक मंदिर भी है, जय भगवान जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा। लुक एट द व्यू, ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है, मंदिर है बट यहाँ पे डरावना वाला सीन हो रखा है गाइस। ओ भाई अभी के लिए, मतलब अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए, सामने का पूरा गायब हो रखा है, मेरे पीछे का एक इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, कहीं पीछे से कोई ठोक ना दे। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए आए हम ना। सो गाइस फाइनली हल्की हल्की धूप आने लगी है, और यहाँ पे से अब व्यू देखो, ये कोहरा कितना स्पीड से जा रहा है, मतलब यहाँ पे टाइम लैप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोहरा ऑटोमेटिकली इतना ऊपर जा रहा है तेज़ी से, और सामने का व्यू एकदम बहुत मस्त सा लग रहा है। आई होप आपको GoPro से सारा दिख रहा होगा, बट खाली खतरनाक वाला व्यू हो रखा है यहाँ पे यार, खतरनाक वाला। सो गाइस ये है अस्कोट, अस्कोट का मार्केट है, और अस्कोट भी मेरे को बड़ा लग रहा है, और अभी हम शायद ये अच्छी रोड पर आ गए, वो जो अभी जहाँ से हम अभी आ रहे थे वो पूरा गाँव का रोड था, और अभी कुछ हद तक हमको शायद आगे अच्छा रोड मिल जाए। भैया भैया धारचूला कहाँ से जाते हैं,
धार चोला ठीक। क्या मिलेगा? हाँ हाँ ओके थैंक यू। सो गाइस इस जगह से धारचूला बचा हुआ है अराउंड 10-15 किलोमीटर एंड यहाँ पे से हमारे साथ कुछ सीन हो जाता है। वो सीन क्या होता है, जैसे कि आपको पता है हमारे जो रियल हीरोज हैं जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं, जो हमारे लिए बॉर्डर में अपनी जान देते हैं, एक्चुअली वो हमारी GoPro की फुटेज डिलीट कर देते हैं। वो क्यों मैं आगे आपको सारा बताता हूँ गाइस। एंड मैं आपको पहले बता रहा हूँ मेरा कोई मोटिव नहीं है ऐसा कि मैं इंडियन आर्मी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं जस्ट अपनी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आपको बताया मैं अपने यूट्यूब के चैनल के थ्रू अपनी कहानी अपनी लाइफस्टाइल आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर कर रहा हूँ। बाकी मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि इंडियन आर्मी को मैं कुछ डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड उन्होंने जो भी किया था वो अच्छा ही किया होगा। बाकी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ वो हुआ क्या था। इस वहाँ पे से हमारी पूरी GoPro की फुटेज डिलीट हो गई थी, मैं आपको पूरा बताता हूँ कि वहाँ पे सीन क्या हुआ था हमारे साथ। जैसे आपको पता है कि जो धारचूला है वो इंडिया नेपाल के बॉर्डर में आता है एंड वहाँ पे पूरे इंडियन आर्मी और नेपाल की आर्मी होती है। तो जो वहाँ पे से पुल है जहाँ पे से नेपाल में एंटर करते हैं, हम लाइक सिर्फ वहाँ पे जा रहे थे कि नेपाल जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। एंड मैंने अपना हेलमेट पहना था क्योंकि ठंड लग रही थी, मैंने ठंड से बचने के लिए अपना हेलमेट पहना था और मेरे हेलमेट पे GoPro लगा हुआ था। तो मैं एक आर्मी वाले से बात कर रहा था कि सर यहाँ पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, उस टाइम मेरा GoPro बंद था। और फिर वहाँ पे सीन ऐसा हुआ कि जो आर्मी वाले थे, आर्मी वालों का हेड ने हमको देखा और हमारे हेलमेट पे GoPro लगा हुआ था, तो उनको लगा कि हम यहाँ पे का पूरा शूट कर रहे हैं और अपनी देश की खूबी रिपोर्ट वगैरह पब्लिश कर रहे हैं यूट्यूब पे। उन्होंने हमको बोला कि अपना GoPro वगैरह दिखाओ हमको, तो मैंने अपना GoPro का मेमोरी कार्ड निकाल के फोन पे डाला। फिर मैंने उनको सारी फुटेज दिखाई अपनी, हम धारचूला में एंटर कर रहे थे, तो एंटर करते ही उनका बेस कैंप वगैरह आता है, मतलब जहाँ पे वो लोग रहते वगैरह खाना वगैरह और वहाँ पे स्कूल वगैरह जो आर्मी वाले के होते हैं, तो वो भी लाइक शूट हो गया था। मतलब जैसे ये मेन रोड है, मेन रोड पे साइड पे उनका वो है आर्मी वाला का एरिया, तो वो भी हमारे GoPro में शूट हो गया था। क्योंकि आपको अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि उस टाइम हम GoPro ऑन ही रखते हैं ताकि जो भी अच्छा सीन होगा हम वो रिकॉर्ड कर पाए। इसका ये मतलब नहीं कि हम सारा का सारा यूट्यूब में डालेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो मेरे फोन पे GoPro का फोल्डर था जहाँ पे सारी GoPro की वीडियोस रिकॉर्ड हो रही थी, उन्होंने पूरा फोल्डर ही डिलीट कर दिया। बोला कि ये हम मतलब आर्मी वाला का सीन यूट्यूब पर डाल सकते हैं। अगर उन्होंने डिलीट किया तो उनको सिर्फ वाला सीन डिलीट करना चाहिए था जहाँ पे हमने आर्मी वाला का वो दिखाया वगैरह, बट उन्होंने पूरा फोल्डर ही डिलीट कर दिया और उस चक्कर में हमारा पूरा GoPro के फुटेज डिलीट हो गए। तो फिर वहाँ पे से सारा GoPro का फुटेज हमारा डिलीट हो गया था जो भी हमने अच्छे से रिकॉर्ड किए थे। बट उसके बाद मैं फिर भी वापस गया थोड़ा से, फिर मैंने थोड़ा बहुत धारचूला का सीन रिकॉर्ड किया। हालांकि मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया बट मैंने थोड़ा बहुत किया था, क्योंकि जो भी अच्छे अच्छे सीन थे ब्यूटीफुल वाले वो सारे हमारे आर्मी वालों ने डिलीट कर दिया था। आई रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी, बट उन्होंने जो भी किया होगा अच्छा ही किया होगा, बट मैं उस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। बट उसके बाद मैं वापस से गया और मैंने कुछ शूट किया, तो वो आपको भी मैं दिखाता हूँ। गाइस अभी हम धारचूला पहुंच चुके हैं और धारचूला में एंटर करते करते ये वाला पुल आएगा सबसे पहले आपको, और यहां से राइट जाएगा धारचूला और लेफ्ट तो पता नहीं कहां जाएगा। तो अभी हम यहां से राइट चलते हैं और धारचूला यहां से बचा होगा लगभग 5-6 किलोमीटर। तो यहां पे धारचूला की चौकी है। वो समा है तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। भाई सभी हम धारचूला में एंटर करने वाले हैं और ये जो आपको सामने का व्यू दिख रहा है दिस इज नेपाल, ये पूरा नेपाल का हिस्सा है और ये अपना इंडिया है। तो आप जो सामने देख रहे हो ये धारचूला है मतलब नेपाल, और ये है धारचूला मतलब इंडिया। और ये जो आप नदी देख रहे हो ये है काली नदी जो मतलब बॉर्डर का काम करती है। तो ये देखो ये पूरा धारचूला का व्यू है और ये है सामने धारचूला, ये पूरा नेपाल का पहाड़ है, ये इंडिया नहीं है और ये पूरा इंडिया है इस साइड, ठीक है। नदी बॉर्डर का काम करती है और सामने आपको जो भी घर दिख रहे हैं वो सारे नेपाल है मतलब धारचूला और दिस इज़ इंडिया। तो देखो यहाँ पे कैसा सीन हो रखा है धारचूला में। मतलब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे फ़ोन पे यहाँ पे दो टाइम आ रहा है, 5:30 और 5:15, मतलब 15 मिनट का टाइम का डिफरेंस है और ये इंडिया है और सामने नेपाल है। तो अभी यहाँ पे जो देख रहे हो धारचूला का मार्केट है गाइस, और इधर सामने से पुल बनता है। पुल मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ सिक्योरिटी फेसेस की वजह से, जो कि हमारे साथ ऑलरेडी हो चुका है सीन, आपको अगर पता होगा वीडियो हमारे साथ इंडियन आर्मी वाले ने कुछ। नीचे कर दूँ क्या? सो ये है धारचूला का मार्केट और हमारा होटल भी आगे ही है कहीं पे। तो इधर ले रखा हमने होटल, अभी चलते हैं होटल पे। नेपाल
पाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी जी।